भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए अत्यंत पूजनीय है। इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भी शामिल है। यह 11वां ज्योतिर्लिंग है जो तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम नामक स्थान में स्थित है। रामेश्वर शब्द दो शब्दों के मिश्रण से बना है, राम और ईश्वर, अर्थात राम के ईश्वर, जो भक्ति और सेवा के महत्व को भी दर्शाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के अलावा रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग को हिंदुओं के प्रमुख 4 धामों में बद्रीनाथ, द्वारकाधीश और जगन्नाथपुरी धाम के बाद चौथे प्रमुख धाम को रामेश्वरम धाम के नाम से भी जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग को रामलिंगेश्वरम ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, जो अपने शिल्प कलाकृतियों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। भारत के उत्तर में स्थित वाराणसी के काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की मान्यताओं के अनुरूप दक्षिण में स्थित रामेश्वरम तीर्थ स्थल की बहुत मान्यताएं हैं। रामेश्वरम में प्रतिवर्ष इस ज्योतिर्लिंग को सजाकर वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियों को तैयार करके सोने और चांदी के वाहनों के ऊपर स्थापित करके उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस वार्षिकोत्सव के अवसर पर उत्तराखंड के गंगोत्री से गंगाजल लाकर ज्योतिर्लिंग का स्नान कराया जाता है, जिसका बहुत विशेष महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे यह कहानी है कि जब रावण ने माता सीता जी का हरण किया और उन्हें अपने साथ लंका ले गया, उस समय माता सीता जी की तलाश में प्रभु श्री राम जंगल में भटक रहे थे। तब उन्हें उस जंगल में घायल अवस्था में जटायु मिले। जब भगवान श्री राम ने जटायु से सीता माता के बारे में पूछा तो जटायु ने बताया कि लंका का राजा रावण सीता माता का हरण कर उन्हें दक्षिण की ओर लंका नगरी में ले गया है। गिद्धराज जटायु का यह संदेश पाकर प्रभु श्री राम बहुत दुखी हुए, परंतु जटायु का धन्यवाद किया और जटायु की मृत्यु के पश्चात उनका सम्मान अंतिम संस्कार किया और अपने सेनापति श्री हनुमान जी, अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी पूरी वानर सेना के साथ सीता माता की खोज के लिए दक्षिण की ओर निकल गए। जब वह भारत के दक्षिणी छोर पर पहुंचे तो उन्होंने रामेश्वरम के तट पर देखा कि भारत और लंका के बीच एक अथाह समुद्र है, जिसे लांघकर उस पार जाना अत्यंत कठिन है। तब भगवान श्री राम ने लंकापति रावण से युद्ध करने से पहले विजय की कामना लिए हुए समुद्र के किनारे पर रेत का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना करनी शुरू की और तपस्या में उनकी निष्ठा को देखकर भगवान शिव उनसे प्रसन्न होकर यहां ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए और बोले, प्रभु आपको क्या वर चाहिए? प्रभु श्री राम ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, भविष्य में हम जो युद्ध लड़ने जा रहे हैं उसमें हमारी जीत सुनिश्चित हो तथा लोक कल्याण के लिए भगवान आप राज्य के इसी तट पर विराजमान हो। जिस पर भगवान शिव ने कहा, तथास्तु। और क्योंकि यह शिवलिंग स्वयं भगवान श्री राम ने अपने हाथों से बनाया था, इसलिए भगवान शिव ने इस लिंग को रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की उपमा दी। तभी से सभी सत्य सनातन को मानने वाले यह मानते हैं कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में आज भी भगवान शिव स्वयं वास करते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी अनेक धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने बच्चों को भी ये वीडियो जरूर दिखाएं ताकि उन्हें अपने पवित्र धर्म की सही जानकारी हो और उनके दिमाग में कोई हमारे पवित्र धर्म के बारे में झूठ और पाखंड न डाल पाए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।